उत्तर प्रदेश में बेकाबू हुए डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इस बीच ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू का अटैक कम नहीं हो पा रहा है। यूपी में 8,500 के पार डेंगू के केस पहुंच चुके हैं और रविवार को लखनऊ में 42 नए बुखार मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। लखनऊ में 7 दिनों के भीतर करीब 250 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। बुखार और डेंगू मरीज बढ़ने से अस्पतालों में बेड की कमी बढ़ने लग गई है। डेंगू के मरीज अलीगंज, सिल्वर जुबली, एंड के रोड में 5-5, चंदन नगर, इंदिरा नगर, ऐशबाग, रेड क्रॉस, चिनहट और टूंडियागंज में 4-4 मरीज मिले हैं और मलिहाबाद में 3 मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 2,547 घर और आसपास का निरीक्षण किया है। 7 घरों के आसपास गंदगी और पानी भरे चीज़ें मिली हैं जिनसे मच्छर के पनपने का खतरा था और इन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। नगर मलेरिया इकाई जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमों ने विभिन्न इलाकों के प्रतिष्ठानों और घरों का निरीक्षण किया है। एंटी लार्वा विरोधी रसायन का छिड़काव करने के साथ ही स्थानीय लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई है। और अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी के ताहिर सैफी जी। ताहिर सैफी जी, जिस तरह से डेंगू एक अगर बीमारी कहे तो साफ साफ इससे नजर आता है कि वहां पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है और जो वहां पर साफ सफाई है, राजधानी की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ की बात कर रहे हैं, वहां ऐसे मरीज मिलना जाहिर है कि वहां के नगर निगम पर कई सवाल खड़े करता है। देखिए बिल्कुल दीपक जी, इसमें कोई दोराय नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो डेंगू का प्रकोप लगातार उत्तर प्रदेश में जो है बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ते हुए 8,005 तक जो है पहुंच गया है, जबकि पूरे लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 207 जो है एक्टिव मरीज जो है डेंगू के अभी भी फिलहाल जो है सामने निकल कर आए हैं। मेरी यहाँ देखने वाली पुलिस प्रशासन से जो है बात हुई है, प्रशासन ने जल्दी इस बार पूरे मामले पर जो है कार्रवाई करते हुए छिड़काव वगैरह की व्यवस्था करने की जहाँ बात कर रहा है, वही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे समय रहते जो है पहले ही गंदी नाले को जो है सफाई तो नहीं कराई गई थी, साथ ही जो नालों की सफाई की गई थी उसमें जो है कीटनाशक छिड़काव आखिर क्यों नहीं किए गए थे। इसके अलावा जो तालाबों में गंदा पानी भरा हुआ होता है उन तो तालाबों के आसपास जो है कीटनाशक दवाई क्यों नहीं छिड़की गई थी। इसके अलावा सड़कों के आसपास जो गंदगी का अंबार लगा रहता है उन गंदगी के अंबारों को समय रहते क्यों नहीं हटाया गया था, जिसके चलते दिल्ली के बाद जो है सटे हुए उत्तर प्रदेश में जो है जो डेंगू है इसका प्रकोप जो है लगातार देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि एक के बाद एक अस्पतालों में डेंगू के मरीज जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां लोग डेंगू की चपेट में आकर जिंदगी और मौत से जूझते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन कार्रवाई करने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है। ताहिर जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी एक प्रोटोकॉल होता है कि जिस क्षेत्र में एक समय होता है कि 2 या 3 महीने में डेंगू के लार्वा ज्यादा पनपते हैं, तो जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज निकलते हैं, नगर निगम अगली बार से वहां पर फोकस करके रखता है कि वहां पर कोई लार्वा ना अपने, या रासायनिक छोड़िए तेल का छिड़काव भी कर देते हैं जिससे लार्वा ऊपर ना आ पाए, तो लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? उसके बावजूद राजधानी की हम बात करें, किसी आगरा की बात करें, किसी मंडल की बात करें, कानपुर की बात करें, तो समझ में आता है अगर राजधानी को भी आप साफ सुथरा या स्वस्थ नहीं रख सकते तो फिर किस बात की सरकार काम कर रही है? देखिए दीपक जी, इसमें कोई दोराय नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा अपने घर के आसपास से, अपने ऑफिस के आसपास का जो एरिया है लोगों को खुद वहां पर जो है साफ सफाई का जो है ध्यान रखना होगा ताकि बढ़ते डेंगू के प्रकोप से जो है बचा जा सके। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से लगातार डेंगू के छिड़काव के जो है लगातार कीटनाशक मॉस्किटो कॉइल का जो है जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कीटाणु है उनको जो है मार गिराया जा सके। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है के बाद जो सफाई का अभियान है उस पर जो है बादस्तूर जो है कार्रवाई करने के शासन की तरफ से आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी जो है इन कार्रवाई जो है करते हुए नजर नहीं आते हैं, जिसका कामयाजा आम जनता को भुगतना होता है और कई बार जनता खुद जो है गंदगी जहां फैलाते हुए नजर आती है। यहां सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं वे अगर समय रहते गंदगी की जो है सफाई करने की जो है जरूरत करें तो हो सकता है कि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप हर बार की तरह इस बार भी जो है देखने को मिला है, तो समय रहते अगर डेंगू के प्रहार करने के से पहले ही जो है समय रहते साफ सफाई कराई जा सके, डेंगू के कीटनाशक छिड़काव जो है समय रहते कराई जा सके, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष जो है इस तरीके के हालात जो है ना देखने हो। इसके साथ ही अगर अभी जिस तरीके से प्रशासन जो है कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हुए छिड़काव करने की जो है बात कर रहा है, कुछ जगह पर फॉगिंग की जा रही है ताकि मच्छरों को जो है मार गिराया जा सके, इसके साथ ही कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, अस्पतालों में उचित व्यवस्था की गई है ताकि डेंगू के मरीज अगर आते हैं तो समय रहते उनका जो है उपचार कराया जा सके,
सके। अगर समय रहते तो प्रशासन जो है पूरी कार्रवाई करता तो हो सकता था कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब जो है इसमें कड़ा एक्शन लेने की जरूरत न पड़ती। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीज बढ़े हैं, खासकर लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में जिस तरीके से डेंगू के मामले निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार जरूर जो है चिंतित है और उसी को लेकर सख्त कदम उठाना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू हो गया। और यही कारण है कि अब अधिकारी जो है अपने ऑफिसों से निकलकर सड़कों पर पहुंच रहे हैं और कीटनाशक दवाओं का जो है इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ताहिर जी, जहां यूरोप एक तरफ मॉस्किटो मुक्त हो चुका है और हम इधर डेंगू मुक्त भी नहीं हो पा रहे, एक राज्य तक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें यूपी में 8,500 के तकरीबन केस मिले हैं, लीक केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से अस्पतालों में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, लोग अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं। क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि लार्वा से फैलती है, जो कि लार्वा डेंगू को जन्म देते हैं और उससे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लेकिन हाँ प्लेटलेट्स अन्य बुखारों में भी कम जाती है। इसलिए गवर्नमेंट वहाँ की अपील कर रही है कि प्लेटलेट्स कम होने का मतलब डेंगू नहीं है, इसकी जाँच जरूर कराएँ और सावधानी बरतें।